ये लेसन आज का हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस क्लैप से ये क्लैप मैं चाहता हूं आप अपने लिए भी करें क्योंकि ये क्लैप इज फॉर द प्रोग्रेस यू हैव मेड सो फार आपने अभी तक सीखा कि वर्ड कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड बाय नाउ यू शुड हैव योर ओन वर्ड वेबसाइट रेडी सो दिस क्लैप इज फॉर यू दिस क्लैप इज फॉर द प्रोग्रेस यू हैव मेड सो फार अभी तक आपने क्या किया

आपको कुछ चीज़ें जो बताना बहुत ज़रूरी हैं उनमें से एक ये भी है कि वर्ड को आप मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में लेस में आपसे ये ज़िक्र किया था ख़ास तौर पर जो होस्टिंग वाला एक लेसन था मैंने उसमें आपको बताया था कि यू शुड चूज़ अ वर्ड प्रेस होस्टिंग विच गिव्स यू दी ऑप्शन टू इंस्टॉल वर्ड प्रेस थ्रू वन क्लिक डब्ल्यू पी इंस्टॉल इसी तरह डिफरेंट होस्टिंग सर्विसेज और डिफरेंट होस्टिंग वेबसाइट्स विल गिव यू दी ऑप्शन टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन डिफरेंट वे ये आपने डिसाइड करना है ये आपने देखना है कि आप कौन सी वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाह रहे हैं मोस्ट ऑफ देम अलाउ यू टू इंस्टॉल वर्ड प्रेस विथ जस्ट वन क्लिक लेकिन अगर आपको कभी मैनुअली भी वर्ड प्रेस इंस्टॉल करना पड़ जाए तो मैं आपके लिए ये पूरा प्रोसेस रिकैप कर देता हूँ और ये रिकैप मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपको वर्ड खुद से इंस्टॉल करना पड़े सो यू आर एबल टू डू दैट बिफोर एक्सेसिंग द लॉग इन स्क्रीन स्टेप नंबर वन प्लीज वर्ड प्रेस डॉट ऑर्ग जाए और वर्ड प्रेस डॉट ऑर्ग जाके डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्ड प्रेस स्टेप नंबर टू अपलोड फाइल टू होस्टिंग सर्वर आप फाइल एफ के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं और आप फाइल सी पैनल के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं एफ टी पी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड सी पैनल इज अ सॉफ्टवेयर थ्रू विच यू अपलोड फाइल्स टू योर होस्टिंग साइट इसके बारे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है ये कुछ चीज़ें हैं जो आप साथ साथ और भी सीखेंगे हम आपको इनसे रिलेटेड कुछ लिंक्स भी देंगे बट यू कैन गो ऑन गूगल एंड यू कैन सी बेस्ड ऑन योर होस्टिंग नीड्स कि ये चीज़ें क्या हैं द थर्ड पार्ट इज कि आपने जो वर्ड की एक फाइल एक जिप फोल्डर अपलोड uh, किया है अब आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है एफ टी पी सॉफ्टवेयर पार्ट इज टू क्रिएट क्लिक ऑन इट एंड क्रिएटिंग इन दैट जिस तरह मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि वर्ड प्रेस इज पावर्ड बायटा बेस इस डेटाबेस को हम कहते हैं माइ एस्व आपको माई स्क्यूल आना जरूरी नहीं है लेकिन आपको माई स्केल पे एक यूजर या एक डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं मैनुअल इंस्टॉलेशन के लिए यह आप अपनी होस्टिंग पे जाके क्रिएट कर सकते हैं द फिफ्थ स्टेप इज दैट यू विल ओपन द ब्राउजर इन एंड एंटर योर डोमेन नेम और वहां पे आपका एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा वर्ड प्रेस इंस्टॉलेशन का जिसमें वो आपसे आपकी डेटाबेस का नाम पूछेंगे आपसे यूज़र पूछेंगे और आपसे पासवर्ड पूछेंगे एंड वंस यू हैव एंटर्ड ऑल दीज डिटेल्स यू क्लिक द बटन टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन एंड इट्स अ वेरी सिंपल फाइव मिनट प्रोसेस आपको शुरू से एंड uh, uh, तक सिर्फ पाँच मिनट लगेंगे एंड यू विल हैव योर वर्ड प्रेस वेबसाइट रेडी एंड नाउ इट विल बी टाइम टू लॉग इन सो लॉग इन करने का तरीका आप हैरान होंगे कि एक लॉग इन करना जो कि एक बड़ी सिंपल uh, चीज समझी जाती है इसके वर्ड में डिफरेंट तरीके हैं पीपल गेट कन्फ्यूज सो हम चाह रहे हैं कि हम आपको वर्ड प्रेस पर लॉग इन करने के डिफरेंट तरीके बताएं और आपको बताएं कि किस तरह से आप अपनी वर्ड uh, का लॉग इन बुक मार्क भी कर सकते हैं सो दे आर टेक्निकली थ्री वेज टू डू इट नंबर वन इज के आपकी साइट का जो डोमेन नेम है उसको आप अपने ब्राउजर में टाइप करें डब्ल्यू और साथ स्लैश करके आप एक यू टाइप करें डब्ल्यू पी डैश ये एक स्टैंडर्ड यू है जो वर्ड आपके लिए क्रिएट करता है सो यू कैन इजीली लॉग इन टू वर्ड प्रेस विदाउट एनी हैसल इसमें जो डब्ल्यू पी है दैट्स ऑब्वियसली फॉर वर्ड और साथ आपको डैश के आगे जो एडमिन नजर आ रहा है ये इससे सिग्निफाई करता है कि ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटर शुड हैव एक्सेस टू दिस वेबसाइट एंड हु दैट एडमिनिस्ट्रेटर दैट एडमिनिस्ट्रेटर इज यू यू आर द पर्सन इज गोइंग टू टेक ओनरशिप यू आर द पर्सन इज गोइंग टू टेक चार्ज ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट सो इसी तरह एक दूसरा तरीका है जो आपको वर्डप्रेस प्रेस फराहम करता है टू लॉग इन दैट इज www.yoursite.com/ डब्ल्यू पी डैश लॉग इन डॉट पी एच पी ये लिंक भी आप अपने पास सेव कर सकते हैं इससे आपको याद रहेगा कि आपने किस तरह से वर्ड प्रेस से जल्दी से लॉग इन कर लेना द अदर वे इज के आप अपनी वेबसाइट पे जाएं अपनी वेबसाइट के होम पेज पे जाएं स्क्रॉल डाउन करें साइड बार में उस लॉग इन का लिंक ढूंढें और उसको क्लिक करके आप सिंपली अपना यूजर नेम पासवर्ड डालें एंड लॉग इन कर लें तीन तरीके हमने आपको बताए एक तरीका डब्ल्यू पी डैश एडमिन के थ्रू एक डब्ल्यू पी डैश लॉग इन डॉट पी एच पी के थ्रू और एक डायरेक्टली लिंक को क्लिक करने के थ्रू एक फोर्थ तरीका भी है विच इज एन एडेड बोनस वो ये है कि अगर आपको ई मेल रिसीव हुई है जब आपने वर्ड प्रेस इंस्टॉल किया है, आप उससे लिंक को क्लिक करके भी वर्ड प्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं सो so, कुछ क्वेश्चन जो आपके जेन में हो कैन आई चेंज द लॉग इन लिंक द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर इज यस यू कैन आप प्लग की मदद से अपना वर्ड का लॉग इन लिंक चेंज भी कर सकते हैं आखिर क्या ऐसी जरूरत पेश होगी आपको कि आप अपने वर्ड का लॉग इन लिंक चेंज करना चाह रहे हैं इनकेस दैट यू वॉन्ट टू मेक योर वेबसाइट मोर सिक्योर अगर आप अपनी वेबसाइट को ज्यादा सिक्योर करना चाह रहे हैं तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप अपनी वर्ड की वेबसाइट का लिंक प्लीज चेंज करें वट इफ आई फॉर गेट द पासवर्ड आप वहाँ पे लॉस्ट पासवर्ड का लिंक क्लिक करके अपनी लॉग uh, इन और यूजर ने पासवर्ड को दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं अब हम लाइव इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे आप वर्ड में लॉग इन कर सकते हैं सो so अब हम अपनी वेबसाइट खोलेंगे और उस पर लॉग इन करना सीखेंगे उन थ्री स्टेप से जो मैंने अभी आपको सिखाए थे तो so, सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो मेरी वेबसाइट का यूआरएल जो मैंने अभी बनाया इट्स डी जी स्किल्स साद हामिद डॉट जीरो जीरो वेब होस्ट ऐप डॉट कॉम इसको मैं खोलूंगा और इसी तरह आपने नोट करना है कि आपकी वेबसाइट का एक अपना यूनिक लिंक या यू होगा एंड दिस इज वट द वेबसाइट लुक्स लाइक इट्स अ वेरी बेसिक वेबसाइट ऊपर वेबसाइट का नाम है और ये उसका एक फ्रंट इंटरफेस है लेकिन हमने करना है लॉगिन तो हमने फोकस रखना है कि हाउ वी आर गोइंग टू लॉग इन अगर आप अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल करें तो राइट right साइड पे साइड बार में आपको एक मेटा के नाम से कैटेगरी हेडिंग नजर आएगी उसके नीचे आपको लॉग का लिंक नजर आएगा सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस लॉग लिंक एंड सडनली द लॉग स्क्रीन विल पॉप अप अब लॉग इन स्क्रीन के बारे में वैसे तो मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूं लेकिन उससे पहले मैं आपको वो दो और तरीके भी दिखाना चाह रहा हूं जिससे यू कैन एक्चुअली लॉग इन टू योर वर्ड प्रेस वेबसाइट सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम दोबारा वेबसाइट पर जाएं और हम टाइप करें डीजी स्किल्स साध हामिद डॉट जीरो 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 वेब होस्ट ऐप डॉट कॉम स्लैश डब्ल्यू पी एडमिन तो दिस विल अगेन रीडायरेक्ट अस टू द लॉग इन स्क्रीन और यही आप डब्ल्यू पी डैश लॉग इन डॉट पी एच पी लिख के भी कर सकते हैं सो so, याद रखिएगा कि ये आपने अपनी वेबसाइट के लिए खुद करना है और इस लिंक को अगर आप सेव करना चाहें तो आप सेव भी कर सकते हैं इस लॉग इन स्क्रीन के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताना चाहूंगा सो so, सबसे आप पहले आप देखेंगे कि ऊपर एक वर्ड का लोगो आपको नजर आ रहा है और आ, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम ये लोगो चेंज कर सकते हैं आप कर सकते हैं लेकिन उसके लिए भी आपको एक प्लग इन दरकार होगा एक प्लग इन यूज करके आप ये लोगो चेंज कर सकेंगे प्लग इंस के बारे में हम आपको आगे डिटेल्स में बताएंगे सो so, यहां पे आपका यूजर नेम है और यहां पे आपका पासवर्ड है आप चाहें तो अपना यूजर नेम या ई जिससे आपने रजिस्टर किया था वो यहां पे एंटर कर सकते हैं नीचे आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे आप रिमेंबर मी की ऑप्शन रख सकते हैं और आप इस लॉगिन बटन पे क्लिक करके लॉग इन कर सकते हैं सो so, मैं आपके सामने लाइव एक लॉग इन करना चाहूँगा अगर मुझे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सही तरह से याद है सो आई राइट एडमिन आपने देखना है कि आपका यूज़र नेम क्या है या क्या था और पासवर्ड सो so, अच्छा है कि आप लोगों को मेरा पासवर्ड नज़र नहीं आ रहा आप लोगों का भी एक अपना पासवर्ड होगा एंड मैंने क्लिक लॉग तो ये लॉग हो जाएगा

आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा स्क्रीन जिटर करेगी और वो आपको लॉग इन करने के लिए नहीं देगी दिस इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म और वहां पे वो एरर भी दे रहा है कि इन वैलिड यूजर नेम um, इसके अलावा अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएं, सो यू कैन क्लिक ऑन लॉस्ट पासवर्ड यू कैन क्लिक द यूजर नेम और एंटर द यूजर नेम एडमिन मैं अपना डालूंगा एंड आई कैन क्लिक गेट न्यू पासवर्ड और ये क्या करेगा कि ये मेरे ई मेल पर इस यूजर नेम को रिसेट करने की एक ऑप्शन भेज देगा मैं ई मेल का लिंक क्लिक करूंगा तो आई कैन सेट अ न्यू पासवर्ड सो दिस वॉज अ बेसिक इंडिकेशन ऑफ हाउ द वर्ड प्रेस लॉग इन स्क्रीन वर्क्स यू कैन कस्टमाइज दिस होल स्क्रीन फ्रॉम द बैकग्राउंड टू एडिंग लिंक्स हेयर टू एडिंग मोर फील्ड्स हेयर यूजिंग प्लग और प्लग इन्स हम आपको आगे सिखाएंगे इस लिंक को प्लीज अपने पास बुकमार्क कर लें ताकि आपको याद रहे कि आपने वर्ड प्रेस पर लॉग किस तरह से करना है।